माय चैनल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी व्यूअर्स और इंट्यूटिव ज़्यादा रहेगी, एक्चुअली इंट्यूटिव ही रहेगी। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारे मैसेजेस रेजोनेट हों, हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे मैच करें, हो सकता है मैसेजेस आपसे ना मैच करें, क्योंकि ये रीडिंग कम्प्लीटली इंट्यूटिव होने वाली है। अगर ये मैसेजेस आपके लिए चैनल्ड हो रहे हैं तो आपसे रेजोनेट करेंगे और हो सकता है ना भी करें। ओके, लेकिन ये सभी साइंस के लिए है क्योंकि बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, तो ये कोई साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। ओके व्यूअर्स, और ये टाइमलेस रहेगी, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे और ये मैसेज अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपसे तब मैच करेगी। ओके व्यूअर्स, तो आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, ओके, ये आपसे स्टिल मैच कर सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी रीडिंग मिस कर पाएँ, कोई भी टॉपिक मिस कर पाएँ, क्योंकि मैं रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ। ओके, चलिए पहले क्लेंजिंग कर लेते हैं, पहले इसमें पानी डाल लेते हैं। लेट्स पुट सम वाटर इन इट। इस कलश में पानी है हमारे पास, देख सकते हैं आप व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, तो यहां पर बोल में हमने पानी ले लिया है, यहां हमारे पास कैंडल है और यहां मैच बॉक्स है। उससे पहले हम धूप जला के थोड़ी क्लेंजिंग कर लेंगे। क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर किसी को बोरिंग लग रहा हो प्रोसेस तो आप वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। ओके, आई डोंट माइंड। मैं ये धूप यहाँ रख देती हूँ व्यूअर्स, गिव अ सेकेंड। ओके, तो चलिए कैंडल ग्लो करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ओपन माइंडेड होकर सुनेंगे।
ओके व्यूअर्स, तो हमारे पास कैंडल है। ओके अब यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए, यूनिवर्स से, एंजल से, डिवाइन से अपने लिए मैसेजेस मांगिए कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, इस बात का आपको आइडिया मिले। ओके मुझे यहाँ मून दिख रहा है, बिकॉज ये रीडिंग फुल मून के दिन की जा रही है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हों। मुझे व्यूअर्स यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि आप में आप या आपके पर्सन कोई रोया है, एक दूसरे को याद करके किसी के आंसू आए हैं। ओके यहाँ पर मून का ये भी रीज़न लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपसे काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन ये इमोशनल फीलिंग्स हैं जो वो जो छुपा रहे हैं वो आपसे, ये इमोशनल फीलिंग्स हैं उनकी। हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं गए हो रिसेंटली, ट्रैवल किया हो कहीं। ओके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, काफी डीपली ऐसा लग रहा है। कुछ बातें आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो कंफ्यूजन में है, उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें आपको फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करनी है, जो वो इमोशंस फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करने हैं या नहीं, इस चीज़ की उन्हें क्लैरिटी नहीं है कोई। लेकिन व्यूअर्स आप कुछ कुछ कर रहे हैं उन्हें दिखाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें दिखाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ओके और जो आप कर रहे हैं उस चीज़ पर वो ध्यान दे रहे हैं। दूसरा मुझे मीनिंग ये भी लग रहा है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं व्यूअर्स, ये भी हो सकता है। ओके दे आर स्टॉकिंग यू। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, अगर आपकी कोई फोटोज या कोई चैट्स उनके पास हैं या कोई वॉइस मैसेजेस हैं आपके, तो बार बार वो आपके पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं, पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इन शॉर्ट वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, इमोशनल अपसर्ज है उनकी एनर्जी में, लेकिन सीक्रेसी है, मिस्टीरियस हैं बहुत। ओके एक सॉन्ग चैनल हो रहा है व्यूअर्स इंट्यूटिवली, अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी है जिसमें रणबीर कपूर है एक्टर, उसमें एक सॉन्ग है कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए, ये सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, आप इसे सुनिएगा। यहाँ ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है अपने करियर को लेके, पैसों को लेके काफ़ी टेंशन है उनको, तो वो अपना पूरा फोकस लव के ऊपर नहीं दे पा रहे हैं, प्यार के ऊपर अपना पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पे ट्रायो दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता है जहाँ तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं करता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, थर्ड इन्वॉल्वमेंट है। ओके यहाँ तीन लोग हैं, आप हैं, आपके पर्सन है और कोई और भी है जो ज़बरदस्ती घुस रहा है बीच में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती घुस रहा है। अब या तो वो एडवाइस दे रहा है, अपनी सलाह दे रहा है आपके रिश्ते में, या रिश्ता खराब करवा रहा हो सकता है। ओके कोई ट्रायंगल है यहाँ पर, ओके ट्रायो बन रहा है, लेकिन यहाँ मुझे एक रेनबो जैसा दिख रहा है व्यूअर्स, तो ज़रूरी है यहाँ पर, ज़रूर है
ऐसा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। आपके पर्सन जो भी सीक्रेसी रख रहे हैं आपसे, ये आपको खुद ही आके बताएंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये जो थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रायंगल बन रहा है, जब ये थर्ड पर्सन यहाँ से थोड़ा एग्जिट लेगा। ओके, आपके पर्सन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इस पर्सन से, तभी वो आपके पास आ पाएंगे। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, या तो आप कुछ तला हुआ खा रहे हैं, आई एम सॉरी, ये भी इंट्यूटिव है रीडिंग से, कितना रिलेटेड है कितना नहीं, पर मुझे देना है मैसेज ये। या तो आप कुछ फ्राई किया हुआ खा रहे हैं, तला हुआ ऑयल में बनता है जो, या आपके पर्सन काफ़ी खा रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है। ओके, ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का रूटीन खराब हो चुका है आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो आपका उठने का रूटीन और फ्रेशन अप होने का, यू नो, एक दिनचर्या होती है कि मैं इतने बजे नहाऊंगा या नहाऊंगी, मैं अपना काम करूंगी इतने बजे या करूंगा, लेकिन आपकी दिनचर्या खराब हो चुकी है आपके पर्सन की वजह से। गाइज, इंट्यूटिवली लग रहा है एक महीने में या एक हफ्ते में आपको आपके पर्सन का कम्युनिकेशन आ सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, किसी नए इंसान की एंट्री होने वाली है, और ये वो इंसान होगा जिसको आपके ऊपर क्रश है। तो आप याद करिए, क्या कोई ऐसा है जो आपको बहुत पसंद करता है पर जिसको आप समय नहीं दे पा रहे थे, जिसको आप चांस नहीं दे पा रहे थे, ऐसे किसी इंसान की एंट्री हो सकती है। हो सकता है आपके पास कोई पेट हो या आपके पर्सन के पास कोई पेट हो। आपके पर्सन गाइज आपके लिए इस समय इमोशनल काफी फील कर रहे हैं, स्टॉकिंग कंटिन्यूसली चल रही है। ऐसा लगता है कि बार बार आपका, यू नो, मैसेज कोई टाइप करते हैं लेकिन वापस इरेज कर देते हैं, या ऐसा भी होता होगा बार बार, यू नो, ब्लॉक करते होंगे, अनब्लॉक करते होंगे, ऐसी कोई प्रोसेस बार बार करते होंगे, या ऐसा करते होंगे कि लास्ट सीन लगा देते होंगे, ऑन कर देते होंगे, फिर लास्ट सीन हाइड कर देते होंगे, ऑफ कर देते होंगे अपने फ़ोन पर, यू नो, ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो। क्योंकि मैंने कहा ना, उन्हें कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा, यू नो, घबराया हुआ इंसान है, जैसे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ मुझे एक टर्टल दिखाई दे रहा है, कछुए जैसी चाल, कछुआ दिखाई दिया है मुझे। ऐसा लग रहा है कछुए जैसा दिखना, मतलब, यू नो, काफ़ी स्लो चलना, काफ़ी धीरे धीरे पहुंच पाना, स्लो एंड स्टडी रेस को जीतना। तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल अप्रोच रखेंगे, बहुत ही स्लो अप्रोच रखेंगे आपकी तरफ, लेकिन वो रेस ज़रूर जीतेंगे व्यूअर्स। उनकी खुद की लाइफ में इस समय बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो रखा है, खुद की लाइफ काफ़ी केओटिक है उनकी, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऐसा लग रहा है। और इस समय भी वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मैंने कहा ना, करियर भी उनका अप एंड डाउन चल रहा हो सकता है, पैसों की चिंता या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको दिमाग में चल रही होगी। हो सकता है वो फायर साइन हो, वाटर साइन हो सकते हैं, यस, एयर साइन भी हो सकते हैं, यस फॉर श्योर। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन अगर आप सोच रहे हैं खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, तो नहीं होगा खत्म, वो दोबारा आएंगे आपकी लाइफ में।
पर यहाँ ऐसा लग रहा है बार बार कि वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। बार बार यही लग रहा है मुझे कि वो जब भी कुछ और करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है, इंटेंशन कुछ और होता है उनका लेकिन कॉन्सिक्वेंस कुछ और निकल आता है। यहाँ बीच में काफ़ी बड़ा सा एक पैच बन गया है और ये पैच बन गया है जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं वो लेयर्स लेयर अपॉन लेयर दबाते जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं वो एक के ऊपर एक दबाते जा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और ये उनके लिए एक पैच बन गया है, उनके दिल पे एक बर्डन है, बातें छुपाने का बर्डन है उनके ऊपर गाइस। लेकिन वो आपको काफ़ी गुड लुकिंग एंड ब्यूटीफुल देख रहे हैं व्यूअर्स। मैंने यहाँ पे एक रोज़ भी देखा है, एक फ्लावर देखा है, तो हो सकता है आपको कहीं रोज़ दिख रहे हो या उन्होंने आपको कभी रोज़ दिया हो या आपको रोज़ रोज़ देने के बारे में सोच रहे हों। यस आप लोग व्यूअर्स यू नो इंसेक्ट्स से थोड़ा बच कर रहे, हो सकता है आपको कोई इंसेक्ट काट ले। ओके और मैं तला हुआ जो फ्राई खाना होता है थोड़ा उससे डिस्टेंस क्रिएट करें, थोड़ा डाइट पर ध्यान दें अपनी। ओके व्यूअर्स, कैंडल फिनिश, मैसेजेस फिनिश। ओके तो आई होप आपने देखा कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए। ओके अगर आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं, देखिए आपको अभी पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपके साथ चेंजेस आएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये आपसे मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके व्यूअर्स तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर भी रीडिंग लाऊंगी, कैंडल वैक्स रीडिंग भी लाऊंगी, चैनल मैसेजेस भी दूंगी। मैंने एक चैनल सॉन्ग दिया है उसे सुनिएगा ज़रूर। ओके क्योंकि उस सॉन्ग में भी यही है कि मन में कुछ इमोशनल फीलिंग्स हैं जो लेयर्स बनती जा रही हैं एक के ऊपर एक लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की जाती हैं तो एक पैच बन जाता है दिल पर, एक बर्डन होता है अंदर, इमोशनल बैगेज होता है। तो आप उस गाने को सुनिए, आपको वो इमोशनल बैगेज है वो ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।